So guys, now is the time that Quadrum is going for the performance, and today is very hectic because obviously we're going to perform at two venues, and that's all for Polo in Pink and Pink Polo. Well, you know, we've been the brand ambassador for Shaukat Khanum, and we've been supporting the awareness for breast cancer. So it's a bright sunny day and we're looking forward to a great performance. और इस वक्त हम जा रहे हैं पहले वेन्यू पे. वी आर गोइंग टू द पिंक पोलो जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस होएगी दोपहर 1:30 बजे. एंड वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज कोविड के बाद फिर कोविड कम हुआ तो कुछ शोज आना शुरू हुए हैं. हम थोड़े से अनफिट भी हैं लेकिन वी आर स्टिल गोइंग टू डू आवर बेस्ट. अभी जी हम एंट्री कर रहे हैं जिना पोलो क्लब में फेज 8 में, और हसब मामूल यहाँ पे एंट्रीज के मुझे इशूज़ रहते हैं. तो अभी हमने उनको नंबर्स भी दिए हैं गेट के ऊपर 2 दिन से. अब वो कह रहे हैं आप एंटर नहीं कर सकते. बहरहाल हमने फिर कॉल की, अब हम फिर इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमारी एंट्री यहाँ से हो जाए. अच्छा है तो कोई भी नहीं, ज़बरदस्त करते हैं हम यहीं पर गाड़ी लगा देते हैं ताकि ये लोग बहस ही ना हो हमारे साथ. ठीक ठाक, गुड टू सी यू. वाह जी वाह, क्या बात है. अच्छा तो जाती बाहर को थोड़ा थोड़ी देर अभी हम निकाल लेते हैं, हम निकाल ही लेते हैं. ये सजाद है, सॉरी ये सजाद है, ये वसीम है. क्वार्टर में दोनों के बगैर नहीं चल सकते. हाँ जी, तो वी आर फाइनली हेयर एट दिस पोलो ग्राउंड. इट्स क्वाइट अ टास्क गेटिंग इन because of certain forces that are here, but finally we've been allowed to get inside. This is for a great cause, and hame badi khushi hai ki hum kafi saalon se we've been associated with them. This is where we'll be playing live today, and it's quite an impressive stage, quite an impressive polo ground. We will be opening the ceremony today, and let's see, we should have fun. हाँ, सो मैं इस सेट में जंबे बजा रहा हूँ, बाकी सब यही बजा रहे हैं जो हम बजाएंगे लाइव. फ़र्क ये है कि यहाँ ये पहली दफ़ा लाइव करने लगे. इसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं जंबे, हम नहीं कहते, ये अफ्रीकन कहते हैं. सो वी विल फॉलो दैट नेम, इट्स कॉल्ड जंबे. ये भी जंबे है, ये भी जंबे है, और वो भी जंबे है. वो जो है वो है दुम्बक इजिप्शियन, जिसके ऊपर बेली डांसिंग बहुत शौक से सब लोग देखते हैं. और ये तो आप सब लोग जानते होंगे ये क्या है. दिस इज द देसी ढोल. चलो जी वापस, बट वी डोंट प्ले इट लाइक अ ढोल. अच्छा, अभी हम वापस रिहर्सल में आ रहे हैं. थिंग्स लुक ग्रेट बिकॉज अभी एज यू कैन सी जो रिमोट कंट्रोल कार्स हैं उनका जरा डिस्प्ले चल रहा है. एंड राइट आफ्टर दैट, सून एज वी आर डन विद द जैम एंड द साउंड चेक, वी आर गोना किक स्टार्ट द इवेंट. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ऑडियंस. अभी तो कुर्सियाँ खाली हैं लेकिन बहुत जल्द वेन्यू भरने वाला है. कोई ऐसी ही बातें. अच्छा, आ जाओ हम बने तस्वीर के चले बैकग्राउंड के अगेंस्ट. हाँ हाँ, जरूर आ जाओ. यार ग्रेट क्राउड, फैंटास्टिक एज ऑलवेज. इवेंट था, शेड्यूल था, टाइम कम था, बट इट वाज गुड परफॉर्मेंस, गुड वार्म अप फॉर द नेक्स्ट वन. आई वाज ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेइंग फॉर सच अमेजिंग क्राउड बिकॉज
the thing with Quadrum is that we're always dependent on the energy of the crowd. So if the crowd is great, our performance is great. So we're looking forward to the next event and we're rushing there. So let's see what kind of crowd we get there. Traffic नहीं होगी हाँ तो मेरे ख्याल आराम से पहुँचते हैं और वहाँ जाके सेटअप वगैरह करते हैं तीन बजे तक वहाँ विश्व पौने तीन तक पहुँचेंगे हाँ हाँ वी हैव इनफ टाइम गुड टाइम All right, जी हम जिना पोलो क्लब से हम फारिग हो गए हैं ग्रेट शो ग्रेट क्राउड बहुत मजा आया ग्रेट वार्म अप अब हम जा रहे हैं पोलो क्लब इन जियो आर रेस कोर्स हमारा नेक्स्ट शो वहाँ पे है सो वो मैच के उसके बीच में है लाइक हाफ टाइम टाइप सिचुएशन के बीच में सो इट्स गोइंग टू बी टाइट सो लेट्स सी हाउ वी पुल दैट ऑफ ये हैं अपने दूसरे इवेंट पे और यहाँ पे एक साथ विंटेज कार शो भी है हेरिटेज मोटर क्लब वालों का तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं एंड बीच में लंच का टाइम नहीं मिला तो हम लंच भी अपना साथ लेके जा रहे हैं परफॉर्मेंस जो है पोलो के मैचेस में अपेरेंटली देयर आर फोर चक्कर तो दो चक्कर के राउंड के बाद हम हाफ टाइम में वी विल बी प्लेइंग एंड दैट इज़ अ गुड टाइम बिकॉज उस वक्त पीक ऑडियंस होती है तो आई थिंक इट शुड बी फन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल हेयर बिकॉज दिस इज़ अ मोर सेंट्रल वेन्यू तो यहाँ पे आई एम श्योर ज़्यादा अटेंडेंस होगी वी आर हियर एट द कार शो द हेरिटेज क्लासिक कार शो फॉर दिस इवेंट और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त असाद आप बताएं व्हाट डू यू थिंक दिस इज लाइक उसे कहते हैं ना क्रीम डेला क्रीम द मोस्ट मतलब अमेजिंग कलेक्शन इज ओवर हियर राइट नाउ अपेरेंटली इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ जो लाहौर से बाहर से आई हुई हैं सो विच इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी यूनिक सो आई थिंक इट्स अमेजिंग Feeling right now? Are you guys good? Yes, and always a lot of fun to come out and support this cause. And thank all of you. Thank you for coming here as well for supporting this great event, this great initiative. We are short of time, so we are going to play as much as we possibly can. All right, so we have successfully completed a day with two shows back to back. There's a lot of hard work. बहुत मजा आया लेकिन बहुत मजा आया क्योंकि Yeah, it was tiring, लेकिन it was worth it. Crowd बहुत अच्छा था दोनों जगहों पे. The locations were brilliant. The events were great. We had great sound on the second show. Yes. It's always a pleasure to play when you have good sound. Yes, because Isaac, the guy who's been associated with us for last 10 years, उसने बहुत ही quickly हमारा sound setup भी कर दिया and within minutes we were good to go. Yeah. So yeah. So I think after the endless pandemic that we have, it's good to see that things are getting normal now, and we're looking forward to a lot more events next month as well. So I think this is a great start to this season, and I think you know looking forward to a lot of more gigs and stuff. Yes, yes, we had a great time. It was fantastic. Or here's to the few more coming up soon. Yeah, yeah, very soon Stay because tuned. Obviously the season is opening up, and we are looking forward to many more gigs like these and lots of drum circles, inshallah. Until next time.